हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में जिसमें बेसिकली हम स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, और पिछले भी दो लेक्चर्स में हमने स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा, लेकिन आज जो हम स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो कॉम्बिनेशन एंट्री कंट्रोल है। कहने का मतलब ये है कि जब आपको मैंने सेकेंड लास्ट लेक्चर में बताया था, तो सेकेंड लास्ट लेक्चर में आपको टेक्स्ट लेवल एंट्री, ठीक है, टेक्स्ट लेवल एंट्री में हमने टेक्स्ट बॉक्सेस के बारे में बताया था, जिसमें हम टेक्स्ट एंट्री कर सकते हैं, या फिर ऐसे टेक्स्ट बॉक्सेस जो रीड ओनली के लिए यूज होते हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि हमने एंट्री लेवल स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद के लेक्चर्स हमने सिलेक्शन कंट्रोल के बारे में पढ़ा। सिलेक्शन कंट्रोल लाइक रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन लिस्ट, मतलब ऐसे ऐसे स्क्रीन के कंट्रोल एलिमेंट्स जिसमें हमें सिर्फ सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना होता था, जिसके थ्रू हम अपने सेट ऑफ एक्शंस को कंट्रोल कर सकते थे। तो बेसिकली पहले के दो लेक्चर्स में हमने जो कंट्रोल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, या जो स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल पढ़ा, वो बेसिकली टेक्स्ट लेवल एंट्री थी या सिलेक्शन कंट्रोल के बारे में था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कॉम्बिनेशन एंट्री है। कॉम्बिनेशन एंट्री का मतलब ये है कि आज जो हम स्क्रीन एलिमेंट पढ़ेंगे, स्क्रीन के वो एलिमेंट्स जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे, जिसके थ्रू अपने कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करेंगे, या जिसके थ्रू हम अपने स्क्रीन पर कुछ सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उन एलिमेंट्स में जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे वो ऑपरेशन टेक्स्ट लेवल पे भी हो सकता है और वो ऑपरेशन सिलेक्शन लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी कोई वर्ड फाइल ओपन करते होंगे, ठीक है, तो वर्ड फाइल में जो हम फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं, टाइम न्यू रोमन, ठीक है, तो बेसिकली टाइम न्यू रोमन वाला जो एक ड्रॉप डाउन जो ड्रॉप बॉक्स ओपन होता है, जो उस ड्रॉप बॉक्स में देखिए दो फीचर होती है, एक तो हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, दूसरा क्या है, हम उसमें टाइप भी कर सकते हैं। हम TIM लिखते हैं तो टाइम न्यू रोमन अपने आप आ जाता है, मीन्स उसमें टेक्स्ट एंट्री का भी फीचर है एज वेल एज सेलेक्शन का भी फीचर है। इसीलिए आज के इस लेक्चर में जिसमें हम स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो कैसा कंट्रोल है, कॉम्बिनेशन एंट्री है, ठीक है, जिसमें आपको सिलेक्शन का भी फीचर मिलेगा एज वेल एज आप उसमें टेक्स्ट की भी एंट्री कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन एंट्री सिलेक्शन कंट्रोल में की अगर बात करें, तो यहाँ पे कई सारे स्क्रीन एलिमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम कॉम्बिनेशन एंट्री परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट डेटा भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि स्पिन बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स, स्लाइडर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्पिन बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, स्लाइडर, ड्रॉप डाउन बॉक्स की अगर बात करें, तो बेसिकली ये सारे के सारे स्क्रीन एलिमेंट जिसके थ्रू हम स्क्रीन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, या जिसके थ्रू हम स्क्रीन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये कैसे इस कॉम्बिनेशन को होल्ड करते हैं। तो यहाँ अगर डिफिनेशन में देखिए कह रहा है, पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ, कौन सी दो चीजें, टेक्स्ट फील्ड एंड सेलेक्शन फील्ड, इसीलिए इसको हम कॉम्बिनेशन एंट्री कहते हैं। इंफॉर्मेशन में आइदर बी कीड इन टू द फील्ड और सेलेक्टेड एंड प्लेस्ड विद इन इट, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन में बताया गया है कि यहाँ पे आपको दोनों चीजें मिलेंगी, टेक्स्ट फील्ड भी मिलेगा एज वेल एज सेलेक्शन फील्ड भी मिलेगा, जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को कीबोर्ड के थ्रू स्क्रीन पे प्लेस भी कर सकते हैं, डाल भी सकते हैं, और सिलेक्शन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस टास्क को करने के लिए हमारे पास ये चार एलिमेंट्स हैं, ये चार स्क्रीन एलिमेंट्स हैं जिसको हम स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल के थ्रू इसको यूज करेंगे। पहला है स्पिन बॉक्स, दूसरा है कॉम्बो बॉक्स, तीसरा है ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स, और चौथा है स्लाइडर। तो अगर स्पिन बॉक्स की बात करें, तो यहां देखिए आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, इस फिगर में आपको देखिए एक लेवल यहाँ पे दिया गया है, जिसमें एल्टीट्यूड इन फीट मेंशन किया गया है, जो एक तरह से टेक्स्ट लेवल एंट्री है, ठीक है। लेकिन इस एल्टीट्यूड इन फीट की जो ये टेक्स्ट एंट्री है, ये एंट्री आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है, आप इसमें कोई मैनिपुलेशन या चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन इसी लेवल के जस्ट सामने आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, उस बॉक्स में कुछ नंबर्स लिखे हैं, और उस नंबर के जस्ट बगल में एक अप एरो और एक डाउन एरो लगा हुआ है।
इट मींस आप इस अप एरो डाउन एरो पे क्लिक करके इस वैल्यू को या तो इंक्रीज कर सकते हैं या तो डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस एरो पे क्लिक करके वैल्यू को इंक्रीज करना डिक्रीज करना ये सिलेक्शन ऑपरेशन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं इस एरो की को ना यूज करके अगर मैनुअली यहाँ पे कोई डेटा टाइप करके एंटर करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो ये जो 40,000 लिखा हुआ है जहाँ पे, वो क्या हमारा टेक्स्ट एरिया है। यहाँ पे हम कीइंग भी कर सकते हैं, यानी कीबोर्ड थ्रू इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। और जो बगल में एरो दिख रहा है आपको, अप एरो डाउन डाउन एरो, ये बेसिकली सिलेक्शन एरिया है। और इसमें इसको हम कीबोर्ड के थ्रू सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करके वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो फीचर है, इस फीचर में जिसको हम स्पिन बॉक्स कह रहे हैं, इसमें इस फीचर में आपको दोनों चीजें मिल रही हैं। कौन सी दोनों चीजें? एक तो टेस्ट लेवल एंट्री एज वेल एज सिलेक्शन ऑपरेशन। तो बेसिकली अगर डिफिनेशन की बात करें तो कह रहा है सिंगल लाइन फील्ड फॉलोड बाई टू स्मॉल वर्टिकली अरेंज्ड बटन्स, टॉप बटन हैज अ अप एरो पॉइंटिंग अप, बॉटम बटन हैज एन एरो पॉइंटिंग डाउन। वही दो एरो मैंने आपको बताया, ठीक है। सिलेक्शन एंट्री इज मेड बाई यूजिंग द माउस टू पॉइंट एट वन ऑफ द डायरेक्शनल बटन एंड क्लिक आइटम विल चेंज बाई वन यूनिट और स्टेप विद ईच क्लिक, कीइंग अ वैल्यू डायरेक्टली इन टू द फील्ड इटसेल्फ। यानी हम वैल्यू को कीबोर्ड के थ्रू डाल भी सकते हैं एज वेल एज सिलेक्शन ऑपरेशन के थ्रू अगर वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें। उसके लिए जो दो एरो बने हुए हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उन एरो को यूज करके हम वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं। पर्पस की अगर बात करें तो टू मेक अ सिलेक्शन बाय आइदर स्क्रोलिंग थ्रू और स्मॉल सेट ऑफ मीनिंगफुल प्री डिफाइंड चॉइसेस और टाइपिंग टेक्स्ट। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए जो पर्पस में बता रहा है कि टू मेक अ सिलेक्शन बाय आइदर स्क्रोलिंग थ्रू अ स्मॉल सेट ऑफ मीनिंगफुल predefined choices or typing text। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ जो values आपको दिख रही, जो भी value यहाँ पे screen पे दिख रही होगी, उस value को आप keyboard के through type करके भी change कर सकते हैं और इस arrow के through इस value को increase या decrease कर सकते हैं। इसके advantage और disadvantage, advantage की बात करें तो advantage में कह रहा है कि consumes little screen space, flexible permits selection और typed area, क्योंकि box बहुत छोटा होता है इसलिए screen का बहुत कम area consume करेगा। क्योंकि देखिए बार-बार screen area की बात इसलिए हम करते हैं क्योंकि जब भी हम interface design करते हैं तो हमें यही कोशिश करनी होती है कि अपने screen पर हम सारी की सारी चीजों को reflect करें। तो अगर हम कोई ऐसा screen element use कर रहे हैं जो हमारे screen के ज्यादा ज्यादा space को occupy कर रहा है, तो remaining screen element के लिए हमारे पास space नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम ऐसे screen elements को use करें जो screen के कम से कम space को occupy करें। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिफिकल्ट टू कंपेयर चॉइसेस कैन बी ऑकवर्ड टू ऑपरेट, यूजफुल ओनली फॉर सर्टेन काइंड ऑफ डेटा। हर जगह आप इसको यूज भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर स्क्रीन एलिमेंट के अपने कुछ फीचर्स होते हैं और वो उन फीचर्स को ध्यान में रखते हुए अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन एलिमेंट्स को अपने स्क्रीन पे यूज करेंगे। प्रॉपर यूजेस फॉर सेटिंग एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी और वैल्यूज फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चॉइसेस when the task required the option of either key enter or selection from a list, when the user prefers the option of either key enter or selection from a list, where screen space is limited, most useful for data and choices that are discrete, infrequent selection, well known, easily learned and meaningful, ordered, unpredictable। So overall kehne ka matlab yahi hai ki ye ek aisa screen element hai jiske through hum किसी भी ऑपरेशन को स्क्रीन पे परफॉर्म कर सकते हैं। और उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे दो कंट्रोलिंग मेथड्स दिए गए हैं, पहला है टेक्स्ट लेवल और दूसरा है सिलेक्शन लेवल, ठीक है। तो और चूंकि इसका जो साइज होता है इस स्क्रीन एलिमेंट का जो साइज है वो इतना कॉम्पैक्ट है कि स्क्रीन पे बहुत ज्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता है। उसमें हम लिमिट भी लगा सकते हैं कि कितने रेंज से कितने रेंज तक की वैल्यू ये एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली हम जो कोई भी वैल्यू दे एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं, इसके पीछे ट्रिगर लगा होता है। कोई भी हम एक्सेस वैल्यू देंगे तो वो क्या करेगा, हमें अलाउ नहीं करेगा। तो ये इसके कुछ फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। सिग्निफिकेंट एंड गाइडलाइंस की अगर बात करें तो लिस्ट साइज, लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंट्री एंड सिलेक्शन मेथड,
ये इसके कुछ गाइडलाइंस हैं कि हमें जब भी अपनी स्क्रीन पे इस स्क्रीन एलिमेंट को अगर हम यूज करेंगे तो हमें किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। तो साइज की रिगार्डिंग कह रहा है कीप द लिस्ट ऑफ आइटम रिलेटिवली शॉर्ट टू रिड्यूस द साइज ऑफ पोटेंशियली लॉन्ग लिस्ट ब्रेक द लिस्टिंग इनटू सब कंपोनेंट इफ पॉसिबल लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर द लिस्ट इन कस्टमरी कंसेक्यूटिव और एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेनिंग विद इन इट इंश्योर दैट द यूजर कैन ऑलवेज एंटीसिपेट द नेक्स्ट चॉइस एंट्री एंड सिलेक्शन मेथड टाइपिंग डायरेक्टली इनटू द बॉक्स स्क्रोलिंग सेलेक्टिंग विद द माउस स्क्रोलिंग सेलेक्टिंग विद द अप डाउन कीज अल्फान्यूमेरिक फॉर अल्फाबेटिकल वैल्यू मूव डाउन द ऑर्डर यूजिंग डाउन एरो मूव अप द ऑर्डर यूजिंग अप एरो। ठीक है, तो ये इसके एंट्री एंड सिलेक्शन मेथड्स हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स भी एक ऐसा स्क्रीन एलिमेंट है जो दोनों तरह की फीचर को होल्ड करता है, एंट्री लेवल भी एज वेल एज सिलेक्शन लेवल भी। तो कॉम्बो बॉक्स की अगर बात करें तो बेसिकली कॉम्बो बॉक्स क्या है, और सिंगल रेक्टेंगुलर टेस्ट बॉक्स एंट्री फील्ड बैलेंस विद इज अ लार्ज रेक्टेंगुलर लिस्ट बॉक्स डिस्प्लेड अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन। एक ऐसा रेक्टेंगुलर लिस्ट है, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे लिस्ट ऑफ ऑप्शंस को हाइड करके रखते हैं। और अगर कॉम्बो बॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसा कुछ दिख रहा होगा। तो बेसिकली ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम। अच्छा, आप ये कंफ्यूज मत करिएगा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स में क्या डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम एंट्री किसी भी टेक्स्ट को कोई भी एंट्री लेवल एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई भी एंट्री लेवल एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक मिनट, आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस वाले एरिया में हम क्या है, कोई भी टेक्स्ट जो है इंटर कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। सपोज करिए मुझे कैट सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो हमारी जो लिस्ट है, हमारी लिस्ट में 100 एनिमल्स के नाम पड़े हुए हैं। तो अब उस लिस्ट में सर्च करने के बजाय हम क्या करेंगे, किंग करेंगे, सी ए। जैसे मैंने सी ए किया तो सी ए से रिलेटेड जितने भी वर्ड थे वो सारे के सारे वर्ड यहाँ क्या होंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे और उनको इजिली सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स में या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट में। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स में कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिर्फ सिलेक्शन का फीचर होता है, ठीक है, टेक्स्ट लेवल एंट्री का फीचर नहीं होता है। लेकिन कॉम्बो बॉक्स में टेक्स्ट लेवल एंट्री का फीचर भी होता है एज वेल एज सिलेक्शन का भी फीचर होता है। हम यहाँ टेक्स्ट एंट्री ना करने के बजाय स्क्रॉल करके कोई स्पेसिफिक वैल्यू को सेलेक्ट करके भी अपना कंट्रोलिंग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये होते हैं इसके फीचर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है द टेस्ट बॉक्स परमिट द टेस्ट बॉक्स परमिट्स अ चॉइस to be keyed within it. The large box contain a list of mutually exclusive choices from which one may be selected for placement in the entry field. हमारे पास बहुत सारे आइटम्स हैं, उनमें से किसी एक आइटम को हम सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। As text is typed into test box, the list is scrolled to the nearest match. हम जो टेक्स्ट एंट्री का हमें फीचर दिया जा रहा है उसमें हम वैल्यू कीइंग करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी वैल्यूज होंगी हमारे लिस्ट में हमें शो हो जाएंगे। तो ये इसके फीचर्स होते हैं। पर्पस की अगर बात करें, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों इसको यूज करते हैं, क्या पर्पस इसको यूज करने का, तो टू अलाउ आइदर टाइप्ड एंट्री इन अ टेस्ट बॉक्स, यानी ये जो स्क्रीन एलिमेंट हमें अलाउ करता है, हमें एक ऐसा फीचर देता है कि हम टेस्ट बॉक्स में किसी स्पेसिफिक वैल्यू को कीइंग करके भी सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हैं, और या सेलेक्शन फ्रॉम लिस्ट ऑफ ऑप्शन, या उस एरो पे क्लिक करके, यहाँ पे एरो दिख रहा होगा छोटा सा, ये देखिए आपको छोटा सा एक एरो दिख रहा है, इस एरो पे क्लिक करके हम लिस्ट को ड्रॉप करके उनमें से किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स इसमें सिलेक्शन का भी हमें फीचर मिलता है एज वेल एज एंट्री का भी, टेक्स्ट एंट्री का फीचर भी मिलता है। एडवांटेज की अगर बात करें तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ एंट्रीज एंड चॉइसेस। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है,
करेक्ट, टू अलाउ आइदर टाइप डी एंट्री इन अ टेस्ट बॉक्स और सेलेक्शन फ्रॉम अ टेस्ट बॉक्स फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस इन अ परमानेंटली डिस्प्लेड लिस्ट बॉक्स अटैच्ड टू द टेस्ट बॉक्स। ये लाइन आप ध्यान रखिएगा, परमानेंटली डिस्प्लेड लिस्ट बॉक्स अटैच्ड टू द टेस्ट बॉक्स, यानी आपको यहाँ जो टेस्ट बॉक्स दिख रहा है जहां पे आपको कर्सर रखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे ये टेस्ट बॉक्स है, टेस्ट बॉक्स का यहाँ देखिए कर्सर एग्जिस्ट कर रहा है, हम जो भी कीइंग करेंगे यहाँ पे वो करेक्टर टाइप हो जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड एलिमेंट हमारी इस नीचे वाली लिस्ट में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस टेस्ट बॉक्स के साथ देखिए यहाँ पे एक लिस्ट अटैच्ड है, ठीक है, जो आपको डिस्प्ले होती रहती है, ठीक है, ये आपके ये परमानेंटली डिस्प्लेड होती रहती है, ठीक है। लेकिन अभी अभी आगे ये अभी आगे हम अभी अब अभी तो फिलहाल एक कॉम्बो बॉक्स है, जब हम ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स की बात करेंगे तो ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स में आपको ये वाला फीचर नहीं मिलेगा, कौन सा वाला, परमानेंटली डिस्प्लेड लिस्ट बॉक्स, यानी जो जो हमारे पास टेस्ट बॉक्स है, टेस्ट बॉक्स साथ हमने जो लिस्ट बॉक्स अटैच करके रखा है, ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स में वो लिस्ट बॉक्स परमानेंटली डिस्प्ले नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉमन बॉक्स में वो लिस्ट बॉक्स जो है वो परमानेंटली हमें डिस्प्ले होता है, और वो लिस्ट बॉक्स ऐसा नहीं इसमें 100 आइटम है तो 100 आइटम पूरे देखेंगे, नहीं, कुछ ही आइटम्स दिखते हैं और उन आइटम्स को हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं, या फिर हम उस टेस्ट बॉक्स में टेक्स्ट की एंट्री करके उसको सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हैं। एडवांटेज की अगर बात करें तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ एंट्रीज एंड चॉइसेस, आप इसके टेक्स्ट लिस्ट में बहुत सारी एंट्रीज कर सकते हैं। रिमाइंड्स यूजर ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस, ठीक है, क्योंकि लिस्ट में सारी चीजें टेक्स्ट करके रखी हुई हैं तो उसको आप सर्च करके इजीली रिमाइंड कर सकते हैं या कीइंग करके भी उसको ढूंढ सकते हैं। फ्लेक्सिबल परमिट सिलेक्शन और टाइप एंट्री, एंट्रीज नॉट नेसेसरी रिस्ट्रिक्टेड टू आइटम सेलेक्टेड फ्रॉम लिस्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स ऑलवेज विजिबल, ठीक है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें, कंज्यूम सम स्क्रीन स्पेस, आर लिस्ट बॉक्स चॉइसेस नॉट ऑलवेज विजिबल रिक्वायरिंग स्क्रोलिंग, वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है, स्क्रोल करने की जरूरत है, सारे 100 आइटम्स है तो सारे के सारे नहीं दिख सकते हैं, ठीक है। यूजर्स में हैव डिफिकल्टी रिकॉलिंग सफिशियंट इंफॉर्मेशन टू टाइप एंट्री मेकिंग टेक्स्ट बॉक्स अनयूजेबल, द लिस्ट में बी ऑर्डर्ड इन एन अनप्रिडिक्टेबल वे मेकिंग इट हार्ड टू फाइंड आइटम्स। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में क्या है कि आप इजीली आइटम्स को सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे आइटम्स प्लेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है, क्योंकि जो आप बहुत सारे आइटम्स लिस्ट ऑफ आइटम में रख रहे हैं वो सारी की सारी तो विजिबल है नहीं, ठीक है, कुछ ही आइटम्स विजिबल है तो आपको उन रिमेनिंग आइटम को देखने के लिए स्क्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। प्रॉपर यूज की अगर बात करें तो फॉर एंटरिंग और सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स और वैल्यूज और सेटिंग एट्रीब्यूट्स फॉर इंफॉर्मेशन दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन यूजर मे फाइंड इट प्रैक्टिकल टू और प्रेफर टू टाइप इंफॉर्मेशन रेदर देन सेलेक्टिंग इट फ्रॉम अ लिस्ट, क्योंकि बहुत फीचर्स हमारे पास है। व्हेन यूजर कैन रिकॉल एंड टाइप इंफॉर्मेशन फास्टर देन सेलेक्टिंग इट From a list, lots of information है तो हम type करके इसको easily search करके select कर सकते हैं। When it is useful to provide the users a reminder of the choice available where data must be entered that is not contained in the selection list where screen space is available for data and choices that are best represented textually, somewhat familiar or known, order in an unpredictable fashion. Frequently changed, large in number, variable or fixed in list length. तो ये कुछ points हैं जो ये हमें बताते हैं कि कैसे हम properly use कर सकते हैं इस combo box screen element को, ठीक है। तो अभी अभी जैसे हमने combo box दिखा वैसे ही हमारे पास एक और list element है, ठीक है, जिसमें selection का as well as text entry का feature होता है, इसको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स। आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ आइटम नीचे आ जाते हैं, उनमें से हम किसी एक आइटम को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी हम सिर्फ सेलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।
लेकिन आज जो हम आप पढ़ने जा रहे हैं वो ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स है, यानी जब हम उस एरो पे क्लिक करेंगे तो जो एक लिस्ट ऑफ आइटम की लिस्ट नीचे आएगी उसके साथ ही साथ उस लिस्ट ऑफ आइटम के ऊपर जस्ट एक टेस्ट बॉक्स भी लगा होगा जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को की करके अपने डिजायर्ड रिजल्ट को सर्च कर सकते हैं। तो बेसिक जो डिफरेंस, अगर अभी आप ये सोचेंगे सर सेम चीज तो कॉम्बो बॉक्स में भी दिख रही है, तो डिफरेंस क्या है ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स में? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कॉम्बो बॉक्स का जब पर्पज बता रहा था, तो कॉम्बो बॉक्स के पर्पज में देखिए मैंने बताया था कि अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस इन अ परमानेंटली डिस्प्लेड लिस्ट बॉक्स अटैच्ड टू द टेस्ट बॉक्स, यानी टेस्ट बॉक्स से जो लिस्ट बॉक्स अटैच्ड है वो परमानेंटली डिस्प्लेड है। कैसा है? परमानेंटली डिस्प्लेड है, मतलब वो हमेशा दिखाई देगा हमें, ठीक है? भले उसमें सारे आइटम्स ना दिखे, दो ही आइटम दिखे, तीन ही आइटम दिखे, लेकिन उस टेस्ट बॉक्स से जस्ट नीचे एक लिस्ट बॉक्स होगा जिसमें कुछ आइटम्स दिखेंगे और वो लिस्ट आइटम का जो डिस्प्ले होगा वो कंटिन्यूअस हमें दिखेगा परमानेंटली। लेकिन अगर ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स की बात करें तो पर्पज में देखिए, यहाँ पर्पज में कह रहा है टू अलाउ आइदर टाइप डी एंट्री और सिलेक्शन फ्रॉम अ लिस्ट बॉक्स। ये चीजें आपकी कॉम्बो बॉक्स में हुई थी, सेम चीज यहाँ भी है। That may be closed and retrieved as needed. यानी जो इस टेस्ट बॉक्स के जस्ट नीचे ये जो टेस्ट बॉक्स आपको दिख रहा है, ये जो आपको टेस्ट बॉक्स दिख रहा है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को कीन कर रहे हैं, अब इस टेस्ट बॉक्स के जस्ट नीचे देखिए यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ आइटम्स जो है अटैच्ड है, ठीक है? तो ये लिस्ट ऑफ आइटम हमें दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हम जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, लिस्ट ऑफ आइटम में डिस्प्ले हो जाएंगे और हम इसमें कोई स्पेसिफिक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये डिफरेंस यही है कॉम्बो बॉक्स और ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स में। कॉम्बो बॉक्स में हमें जो लिस्ट ऑफ आइटम है, इस लिस्ट ऑफ आइटम का कुछ पोर्शन जो है अटैच्ड होता है इस टेस्ट बॉक्स के साथ और हमें यहाँ इंफॉर्मेशन दिखाई देती है, स्क्रोल करके हम इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं या हम यहाँ पे टाइप करके इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फीचर्स होता है ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स का, ठीक है? और तो अगर ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स के बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो कह रहा है कि अ सिंगल रेक्टेंगुलर टेस्ट बॉक्स विद अ स्मॉल बटन टू द साइड and an associated hidden list of options. ये देखिए main point है। Rectangular test box वहाँ भी था जब हम combo box पढ़ रहे थे और यहाँ भी rectangular test box है। With a small button to the side and an associated hidden list. ठीक है, small buttons दिख रहा है हमें, ठीक है, और उसके साथ एक associated list भी दिख रही है, ठीक है? तो जो कि हमारे कॉम्बो बॉक्स में नहीं था। कॉम्बो बॉक्स में क्या था, जो एसोसिएटेड लिस्ट थी वो अटैच्ड थी, वो परमानेंटली विजिबल रहती थी। यहाँ पे क्या है, वो हिडन है, परमानेंटली विजिबल नहीं है, ठीक है? When request a large associate rectangular box appears containing a scrolling list of choices from which one is selected. तो जो नीचे लिस्ट ऑफ आइटम्स है उन लिस्ट ऑफ आइटम्स में से हम स्क्रोलिंग करके किसी भी एक लिस्ट ऑफ आइटम, किसी भी एक आइटम को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर यहाँ देखें ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स में कंपेयर करें तो दोनों सेम है, क्योंकि दोनों में भी टेक्स्ट का फीचर, टेक्स्ट एंट्री का फीचर भी है एज वेल एज सिलेक्शन का फीचर है, दोनों सेम है। डिफरेंस क्या है फिर? कॉम्बो बॉक्स, सिर्फ कॉम्बो बॉक्स की अगर बात करें तो कॉम्बो बॉक्स में जो लिस्ट ऑफ आइटम है जो कि टेस्ट बॉक्स के जस्ट नीचे है वो परमानेंटली डिस्प्लेड होता है, ठीक है? और टेस्ट बॉक्स के बगल में कोई एरो नहीं होती जिसके थ्रू क्लिक करके उस लिस्ट को डिस्प्ले कर सके या मिनिमाइज कर सके। लेकिन ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स में क्या होता है, ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स में परमानेंटली हमें वो लिस्ट ऑफ आइटम्स नहीं दिखते हैं, हमें इस एरो पे क्लिक करना होता है तब वो लिस्ट आती है और फिर हम स्क्रॉल करके उसमें से आइटम को सेलेक्ट करते हैं। और यही यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, ये एरो नहीं होगा यहाँ पे, गलत फिगर है, मैं इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है? तो ये डिफरेंस होता है ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स में। ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स, सॉरी कॉम्बो बॉक्स में ये जो लिस्ट ऑफ आइटम है, ये लिस्ट ऑफ आइटम का एक बॉक्स जो आपको परमानेंटली दिखेगा
जिसमें कुछ लिमिटेड लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपको दिखेंगी और एक्सेस इंफॉर्मेशन देखने के लिए आपको उसको स्क्रॉल करना होगा, ठीक है। अब बात करें स्लाइडर की, ठीक है। स्लाइडर भी बेसिकली एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप किसी भी, आप ये ऐसे के समझ सकते हैं कि ग्राफिकल टूल को यूज करके आप सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसमें टेक्स्ट लेवल एंट्री कहाँ आ गई, टेक्स्ट लेवल एंट्री ये आ गई यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ एक फिगर में एक रूलर दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस रूलर में देखिए हमने एक रेंज डिफाइन कर रखी है 0 to 30, ठीक है। तो अब 0 to 30 में अब हम यहाँ पे इस डाउन एरो को होल्ड करके लेफ्ट साइड मूव कराएंगे तो वो वैल्यू होगी 15 से छोटी सेलेक्ट होगी, राइट साइड मूव कराएंगे तो वो वैल्यू 15 से बड़ी और 13 से छोटी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम वैल्यू इंटर करा रहे हैं बाय यूजिंग दिस रूलर, बाय यूजिंग दिस स्लाइडर, ठीक है। तो इस स्लाइडर को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक वैल्यू को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर स्लाइडर की बात करें तो कह रहा है ए स्केल एग्जिबिटिंग डिग्री ऑफ इक्वालिटी सेफ्ट और बार ए रेंज ऑफ वैल्यू विद एप्रोप्रिएट लेबल्स एंड आर्म इंडिकेटिंग रिलेटिव सेटिंग थ्रू इट्स लोकेशन ऑन द सेफ्ट, ऑप्शनली पेयर ऑफ बटन्स टू परमिट इंक्रीमेंटल मूवमेंट ऑफ द स्लाइडर आर्म, टेस्ट बॉक्स फॉर टाइपिंग और डिस्प्लेइंग अ वैल्यू, टेस्ट बॉक्स फॉर टाइपिंग और डिस्प्लेइंग अ वैल्यू। यानी इस स्लाइडर के साथ अगर आप कोई टेस्ट बॉक्स दे देते हैं, उस टेस्ट बॉक्स में कोई वैल्यू डाल के आप सेलेक्ट कर देते हैं, तो ये स्लाइडर ऑटोमेटिकली मूव होकर, मैंने सपोज 20 डाला टेस्ट बॉक्स में, तो स्लाइडर ऑटोमेटिकली 20 में चला जाएगा। और अगर आप टेस्ट बॉक्स को यूज नहीं करना चाहते हैं तो नॉर्मली स्लाइडर को पकड़ करके लेफ्ट साइड ले जाइए या राइट साइड ले जाइए, तो स्पेसिफिक वैल्यू जो हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो स्लाइडर में भी टेस्ट लेवल एंट्री का फीचर होता है एज वेल एज सिलेक्शन का फीचर होता है, ठीक है। पर्पस की अगर बात करें तो टू मेक अ सेटिंग व्हेन अ कंटीन्यूअस क्वालिटेटिव एडजस्टमेंट इज एक्सेप्टेबल व्हेन इट इज यूजफुल टू सी द करंट वैल्यू रिलेटिव टू द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा जब भी आप वर्ड फाइल पे या फिर एमएस पेंट पे कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे कलर की जरूरत होती है, तो नॉर्मली वहाँ पे कलर के लिए एक विंडो ओपन होकर आती है। आप नॉर्मली RGB की वैल्यू भी सेट कर सकते हैं मैनुअली, टेक्स्ट बॉक्स में रेड कलर की वैल्यू डाल सकते हैं, ग्रीन कलर की वैल्यू डाल सकते हैं, ब्लू कलर की वैल्यू डाल सकते हैं, या रूलर के थ्रू रेड के लिए एक अलग स्लाइडर होता है, ग्रीन के लिए अलग स्लाइडर होता है, ब्लू के लिए अलग स्लाइडर होता है। आप उस स्लाइडर को पकड़ के लेफ्ट राइट मूव कराएंगे तो रेड का कलर सेट होगा, ग्रीन का कलर सेट होगा, ब्लू का कलर सेट होगा। तो कहने का मतलब ये वो RGB कलर आप या तो टेक्स्ट बॉक्स में R की वैल्यू, ग्रीन की वैल्यू और ब्लू की वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं, या फिर उस स्लाइडर को सेलेक्ट करके भी आप उस वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो आपको ये जो चारों स्क्रीन एलिमेंट्स बताए गए हैं, चाहे वो कॉम्बो बॉक्स हो, चाहे ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स हो, चाहे वो स्लाइडर हो, चाहे वो आपका स्पिन बॉक्स हो, ये चारों के चारों जो स्क्रीन एलिमेंट्स हैं ये कॉम्बिनेशन एंट्री के फीचर को रखते हैं, कॉम्बिनेशन एंट्री के फीचर को रखते हैं। मींस ये टेक्स्ट लेवल एंट्री को भी होल्ड करते हैं एज वेल एज सेलेक्शन कंट्रोल के फीचर को भी होल्ड करते हैं। तो बेसिकली जो सेकेंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था वो टेक्स्ट लेवल एंट्री के बारे में था, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट फॉर्म में मशीन तक पहुंचाते थे या किसी टेक्स्ट बॉक्स में लिखे हुए इंफॉर्मेशन को, जो कि रीड ओनली टेक्स्ट बॉक्स होता था, उस इंफॉर्मेशन को रीड करते थे। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऐसे स्क्रीन कंट्रोल एलिमेंट जिनको हम सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं, जैसे कि रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। वैसे ही आज जो हम पढ़ रहे हैं ये कॉम्बिनेशन है किसका, टेस्ट बॉक्स सॉरी एंट्री लेवल का एज वेल एज सिलेक्शन कंट्रोल का। तो एंट्री लेवल और सिलेक्शन कंट्रोल में हमारी चारों चीजें आ जाती हैं, जिसको भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया विद फिगर, और मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा।